अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत के साथ होंगे। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, आपके साथ मैंने लास्ट टाइम जो रेमेडी शेयर की थी, ये वो चीज़ है और ये मैंने फ्रीज़ करके रखी हुई थी। रोज़ 1 या 2 क्यूब लेके इसको हम रब करके अपने फेस पे और फिर फेस वॉश कर लेते हैं, जिससे आपकी ग्लो आ जाती है स्किन पे। उसके बाद यहाँ पे ये जो पार्सल वाले भाई हैं, मैंने एक पार्सल ऑर्डर किया था निर्वाना बोटैनिक्स का, तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि इसके अंदर मैंने क्या क्या ऑर्डर किया था और मुझे क्या क्या रिसीव हुआ और किस तरह रिसीव हुआ। तो यहाँ पे जो हमने अपना ऑर्डर रिसीव कर लिए थे, इसके बाद हमने जाना था महक के घर में। उसने मुझे इनवाइट किया हुआ था अपने घर, तो हम लोग उसके घर में पहुँचे हैं। ये माशाल्लाह ये उसके रूम है, तो उसकी शादी को कुछ ही मंथ अभी हुए हैं, तो आपको पता ही है गर्ल्स का मतलब कि जो मैरिड कपल होता है उनका रूम कितना माशाल्लाह खूबसूरत होता है। शादी के शुरू शुरू में तो रूम बड़ा खूबसूरत लड़कियां रखती हैं, आप सबको सबका ऐसे ही होता है। मैंने बड़े ऐसे वाकयात देखे हैं, मेरी सिस्टर भी इस तरह मतलब कि अभी भी वो तो करती है, सब अभी भी करते हैं, अपनी चीज़ों की सब कदर करते हैं, माशाल्लाह करनी भी चाहिए। पेरेंट्स ने बड़ी मुश्किल से जहेज बना के अपनी बेटियों को दिया होता है, तो बस अल्लाह ताला लड़की के नसीब में करे, हर लड़की के नसीब में करे, बस दुआ किया करे लड़कियों के नसीब अल्लाह बहुत अच्छे करे, लड़कों के भी बहुत अच्छे करे, सबके नसीब की दुआ करनी चाहिए, सब लड़के लड़कियों की नसीब में। तो ये इसके टीवी लाउंज था और ये साथ में इसका किचन भी था और सब कुछ जो सोफ़ा वगैरह यहाँ पे इन्होंने रखे हुए थे, तो माशाल्लाह सब कुछ बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, अल्लाह उसके नसीब में करे। और यहाँ पे जी उसने हमारे लिए थोड़ी सी वो तकल्लुफ़ किया हुआ था, हमारे लिए मैक्रोनी बनाई हुई थी उसने, तो हम और फिर हम सब ने मिल के बैठ के मैक्रोनी खाई उसके घर से। बहुत गाइस बहुत यमी बनी हुई थी, अच्छी बनाई है उसने, खुद ही बनाई थी। और यहाँ पे जो हमने सुबह पार्सल अपना रिसीव किया था, उसको हम ओपन करके देखेंगे कि उसमें हमने मतलब कि क्या क्या मतलब कि ऑर्डर किया था। मैं आपको दिखाऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पे मैंने ये जी एक ऑयल इनका मैं यूज़ करती हूँ, बहुत ही अच्छा ऑथेंटिक ऑयल है, ये हेयर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है। आप भी फ्रेंड्स इसको यूज़ करना, कमाल का इसके रिजल्ट्स हैं आपके सामने, इसके रिजल्ट्स 2 महीनों के अंदर अंदर ही आ जाएंगे। और ये जिनका विटामिन सी प्लस ई है, ये एक्नी के लिए बहुत अच्छा है, जिनके एक्नी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन होती है उसके लिए तो 1 ड्रॉप या 2 ड्रॉप्स ही काफ़ी है, लेकिन जिनको इसकी आदत हो जाती है ना, उनके लिए ये बेस्ट है, एक्नी वाली एक्नी स्किन के लिए ये बेस्ट है। तो ये जी ऑयल मैंने ये चेक किया, ये मुझे थोड़ा सा ठीक नहीं लगा ऑयल की मतलब कि अच्छा नहीं लगा। मैंने उनको दोबारा खैर कहा कि आप इसको रिप्लेस करें या चेंज करें, तो उन्होंने कहा ठीक है आप भेज दीजिएगा। और यहाँ पे जी हम लोगों ने ये खाना बनाया हुआ था, आज सबने मिल के बैठ के इकट्ठे खाना था, रात का टाइम हो गया था, सब इकट्ठे थे, तो हमने फिर अच्छा वाला खाना बनाया। साथ में थर्सडे भी था, खैर जो हम लोग करते होते हैं वो दस्तरखान वाला सीन। और यहाँ पे इस लड़की के आप लोग काम देख लें, इसको चश्मा लगाने का ग्लासेस लगाने का इतना शौक है, इतना शौक है, किसी भी ग्लासेस पड़ी होंगी ना इसने उठा के फौरन अपने लगा लेनी है कि मैं कैसी लग रही हूँ मुझे बता दो। तो माशाल्लाह मैं इनका बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप, हमेशा की तरह हर चीज़ में ही अच्छी लगती हैं। और यहाँ पे जी मैंने अपना चार्जर मंगवाया था अपने मोबाइल का, क्योंकि मुझे चाहिए थी एक वायर और जो लैपटॉप के साथ कनेक्ट होके मेरा सारा डाटा उधर ट्रांसफर हो जाए।